नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक बार फिर दबंगों की दबंगई ने हड़कंप मचा दिया है। ज्वेलरी शॉप में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दर्जन भर दबंगों ने लाठी डंडों से ज्वेलरी शॉप में तोड़फोड़ के साथ ही ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। जिले के रामपुर माझा थाना क्षेत्र के देवकली गांव में रविवार को दर्जनों की संख्या में बाइक सवार दबंग पहुंचे। बाइक सवार दबंगों ने ज्वेलरी के दुकान पर हमला कर दिया। दुकानदारों को मारपीट के साथ ही जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद दबंगों ने दुकान में रखे एसिड को दुकानदार पर फेंक दिया। इसके चलते तीन लोग झुलस गए। चोर मारपीट और एसिड अटैक का ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ देखा गया कि दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दुकान में तोड़फोड़ के साथ मारपीट की। देवकली बाजार में रविवार की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास मोहम्मदपुर पाली के रहने वाले दबंग लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे। दर्जन भर दबंगों ने ज्वेलरी के दुकान पर हमला कर दिया। दुकानदार बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दबंग को ज्वेलरी के दुकान में रखे हुए एसिड पर नजर पड़ी। ये एसिड ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। दबंगों ने उसी एसिड को दुकानदारों पर फेंक दिया जिसमें तीन लोग झुलस गए। उन्हें आनंद फानन में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसिड फेंके जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि दुकान में एसिड रखा हुआ था जो कि दुकानदारों के ऊपर गिर गया। पुलिस ने दुकानदारों के गंभीर रूप से झुलसने की बात पर कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही दबंगों के बीच ज्वेलरी खरीदने व बेचने का विवाद हुआ था। शायद यही दबंगों और ज्वेलरी के दुकानदार के बीच झगड़े का कारण हो सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।